स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे चैनल पीपी ब्लॉग में। और आज हम लोग पहुंच गए हैं श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर। तो हम लोग अभी बालाजी में नहीं है, हम लोग रायपुर में ही हैं। और रायपुर में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मुझे बहुत टाइम के बाद अभी पता चला है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के जैसे ही बनाया गया है। ये मंदिर कहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ मंदिर में क्या क्या है। तो बाहर से ही आप देख सकते हैं बिल्कुल साउथ के जैसे मंदिर होते हैं वैसे ही मंदिर बनाया गया। और मुझे साउथ से बहुत ज़्यादा प्यार है, साउथ इंडियन खाने से, साउथ इंडियन लोगों से। और साउथ के बहुत से मंदिर मैं घूमी हूँ और ये बाहर से देखने से बिल्कुल वैसे ही फील दे रहा है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो मंदिर है वो 3 फ्लोर पे बना हुआ है, जिसमें सबसे नीचे जो है वो वहाँ पे आपको धन्वंतरी जी की मूर्ति मिलेगी, और जो बीच वाला फ्लोर है वहाँ पे विष्णु भगवान और गरुड़ देव की मूर्ति मिलेगी, और जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पे आपको बालाजी के दर्शन होंगे। तो अब चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे बालाजी तिरुपति बालाजी की मूर्ति है। तो अभी हमने आपको नीचे के और मध्य वाला जो बीच वाला जो फ्लोर है वहाँ पे दर्शन कराया और अब हम ऊपर जाएंगे। एकदम जैसे मैं साउथ के मंदिरों में बहुत घूमी हूँ तो मेरे को वैसी फील आ रहा है। एकदम बड़ी बड़ी मतलब बहुत भव्य मंदिर है और एकदम शांति है और एक अलग ही यहाँ का वातावरण लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आके। देख सकते कितनी भव्य मूर्ति है। और जिन लोगों को तिरुपति बालाजी जाके दर्शन करने का मतलब मौका नहीं मिलता है वो यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, मैं रायपुर में पहली बार ऐसा देख रही हूँ, इतना मतलब खूबसूरत साउथ का मंदिर और बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर भगवान जी की मूर्ति लगी है। तो मुझे यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो पीछे चांदी का बना है वो कितना प्यारा दिख रहा है। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पे बालाजी की प्रतिमा लगी है। और इस प्रतिमा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि जो बालाजी की प्रतिमा है उसमें जो उन्होंने जितने भी उन्होंने गहने पहने हैं चांदी के जो आभूषण है उसमें जो मुकुट है वो लगभग 3 किलो का है। इसके अलावा जो कवच है, शंख चक्र है वो 3.5 किलो का है। और हाथ और पैर में उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी है, जो आभूषण पहने हैं, तो हाथ का 1 किलो 300 ग्राम के लगभग है, और जो चरण पादुका है वो 1 किलो 600 ग्राम के लगभग है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि 16.9 किलो का जो है आभूषण भगवान जी को पहनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब अनोखी बात है। इसकी जानकारी भी मुझे यहीं से मिली तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो जैसे हम साउथ के मंदिरों को देखते हैं तो वहाँ पर जो भगवान होते हैं उनको आभूषण गहने बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा पहनाए जाते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी भगवान को पहनाया गया है।
बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांति लग रही है इस मंदिर में आके। तो आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा, इस मंदिर के दर्शन करिएगा। एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, ये है आदर्श कॉलोनी मोवा में जो मंदिर है, श्री बालाजी मंदिर, उसी प्रांगण में ये मंदिर स्थापित है। तो यहाँ पर आप आइए और भगवान के दर्शन जरूर से करिए।